तो गाइस सभी लोगों का वेलकम हो गया हीर ब्राइन एसएमपी में। और आज हम लोग जो करने वाले वो है बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज। तो गाइस आज हम लोग सारा का सारा अपना सामान और घर जो है वो लेके जाने वाले हैं भाई हीरो ब्राइन मेन सिटी में। मतलब घर नहीं, सारा का सारा सामान और वहां के घर को हम लोग थोड़ा ठीक करेंगे। मुझे पता है तुम लोगों के पास बहुत सारे सवाल है जिनके तुम्हें जवाब चाहिए, और तुम्हें कुछ चीजों के जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद जो भी चीजें बचेंगी वो मैं उज्ज्वल भाई के साथ तुम्हें जवाब दूंगा, ताकि तुम लोगों को यार समझ में आ सके पूरी की पूरी पिक्चर, ना कि ऐसे कि एक साइड फिर तुमको दोबारा से सुनना पड़े दोबारा सुनना पड़े। तो मैं कुछ चीजों के जवाब आज दूंगा और बाकी चीजों के जवाब हम लोग उज्जवल भाई के साथ देंगे। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट यस भाई आखिरकार हम लोग जा रहे हैं वापस, और जहां तक सारे के सारे एसएमपी मेंबर्स भी वापस जाएंगे अब हीरो ब्राइन मेन सिटी की तरफ को। मतलब ऐसे नहीं बोला पीस, क्योंकि सीधी बात है यार अभी जजमेंट होना बाकी है, अभी पूरा का पूरा कोर्ट रूम लगेगा और सब कुछ लगेगा, उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा। बट यस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने घर को वापस, और पुराने घर जा रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन ये तो बता दो कि क्या हुआ भाई, तुम दोनों साथ में कैसे है और ये सब क्या चल रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना यार, देखो मेरी एक बात सुनो दोस्तों, मेरे को एक चीज सच्ची बताना, जब तक ये सब चीजें नहीं हुई थी, बस मेरे को इस चीज का जवाब देने के लिए, जब तक ये चीजें नहीं हुई थी तुम लोग एक चीज देखते थे भाई, किसी का लिटरली छोटी सी चीज चोरी हो जाती है, बस छोटी सी चीज, छोटी सी मतलब कहने का मतलब है कि किसी का अगर यार एक एक डायमंड गायब हो जाता था तो वो उसको मारने को तैयार हो जाता, चोरी चोरी कहने लग जाता, जबकि लोग बोरो भी करते थे तब भी चोर चोर ये सब कहने को तैयार हो जाते थे। भाई मारना काटना एसएमपी में एकदम ऐसे नॉर्मल सा हो गया था, घर तोड़ना तो भाई भूल ही जाओ, हर अगले दिन किसी ना किसी का घर जला हुआ, नहीं तो किसी ना किसी का घर टूटा हुआ। भाई मेरे खुद का घर कितनी बार जला था। तो भाई एसएमपी में लिटरली पता तुमको कोई लॉ ऑर्डर ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो चलो फटाफट से अपना सारा का सारा सामान पैक करते हैं, और जितना भी मेरे पास कूड़ा है ना अभी के लिए वो छोड़ते हैं। वो ईशान भाई की खतरनाक लगेगी, मैं एक काम करता हूँ मैं इसको अपने एंड चेस्ट में डालता हूँ, ताकि ईशान भाई का यार वो खोए ना, ठीक है। ये अपनी चप्पल और ये नैदर है, ये हम लोग इन सब को भी अभी के लिए यहाँ पर डालें। मेरे ख्याल से मेरे पास चपाती भाई का ये आ गया है, आपका ये क्या बोलते हैं इसको ट्राइडेंट आ गया, तो मैं चपाती भाई का ट्राइडेंट अभी के लिए यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि वो खुद से ले लें, नहीं तो फिर मैं दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अपना गॉड्स प्लान ले लेंगे, नेदरराइट हो ले लेंगे, शवल ले लेंगे, ओशियन ब्रेकर ले लेंगे, और अपनी डायमंड की जो हमने मेंडिंग वाली बनाई थी वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना सारा का सारा सामान ले लेते हैं, और ये एंशियंट डेब्रिस एक पड़ी थी ना इसको मैं स्मेल्टिंग में लगाता हूँ, और बाकी का सारा सामान लेके मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर। ओके तो दोस्तों अब हम लोग अपना देखो मेन मेन सामान, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला पहले सारे के सारे एमरल्ड्स रख लेते हैं जो हमको चाहिए चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चपाती भाई के ट्राइडेंट अभी के लिए यहाँ से नहीं ले जा रहे, चपाती भाई को हम बता देंगे कि उनका ट्राइडेंट का है, वहाँ से वो ले लेंगे। उनकी पिकैक्स भी है, ये पिकैक्स भी उनको दे देंगे, ये तो हमारा सामान है ही सारा का सारा, तो ये तो हमें जरूरी चाहिए ही। अब यहाँ पर से हम लोगों को देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी चाहिए होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक लीड मुझे जरूर चाहिए होगी, या फिर लीड तो हम लोग बना सकते हैं यार स्लाइम बॉल से, ठीक है। एक एक स्टैक स्लाइम बॉल जरूर रख लेंगे, स्पॉन्ज बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि सी सी बात है यार स्पॉन्ज तुम लोगों को पता ना मिलते नहीं है बिल्कुल भी। कॉपर इंगेट ये सब चीज़ें मेरे को कोई जरूरी नहीं है, तो ये हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे सारा का सारा। वो ये ऐसी लोडस्टोन कंपस भी हमारे यहाँ के लिए, बट वो भी इतना काम का भी चीज़ नहीं है, तो इसको भी हम लोग सारी की सारी यहीं पर छोड़ देते हैं, और हमारे पास वो ये ऐसी हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ये क्यों रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो देखो ये सारा का सारा सामान हमारा जो था वो हमारे पास जमा हो चुका है, और अब हम लोगों को मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी चीज़ और चाहिए होगी। फूड और सारा का सारा गोल्ड जो है हमारा वो हम लोग अपने साथ रख लेते हैं, ठीक है। यार गाइस मैंने ना काफ़ी सामान रख लिया है, बट अभी भी मेरे पास जगह नहीं हो रही है, तो मुझे कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा यार कि मैं ये सारा का सारा सामान एक साथ एक बारी में यार एसएमपी तक का ले जा सकूं। और मैंने अपना ट्राइडेंट छोड़ दिया यार, बाई गॉड मैं इतना गधा हूं ना, मैंने अपना एटलीस्ट ट्राइडेंट अपने साथ रखना चाहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाऊँ सब चीज़ें। बट रुको एक मिनट है, मेरे पास स्प्लैश पोशन और स्विफ्टनेस है, तो हम लोग ये भी मार देंगे, थोड़ा सा हम लोग तेज़ हो जाएंगे। बाकी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं कि कुछ अगर बाई चांस हमें मिल जाता है, जैसे बाई चांस कोई भी चीज़, मैंने क्योंकि मेरे को जहां तक याद आ रहा है मैंने एक ट्रेडर लामा देखा हुआ है यहाँ पर। एक मिनट दोस्तों चिल ओके ठीक है, देखते हैं भाई, मैंने कहीं पर तो देखा था, अभी पता नहीं किसका है मेरे को पता नहीं है, बट लेट्स ट्राई। अगर हम लोग इसको ये बोन फेंक देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर बैठ गए और ये मान गया ना, नहीं माना ओके, अगर ये मान गया ना हमसे दोस्ती कर ली ना भाई मजे आ जाएंगे मजाक सेट के, ठीक है। अगर ये मान गया तो यस मान गया ओके, हम लोगों को इसके लिए चाहिए होगा बस एक कारपेट, ताकि हम लोग इसके पास फिर चेस्ट रख सके। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले ना कारपेट बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को बस ये चाहिए होगा, ओके रुको इसमें ना पहले कारपेट बनाने से पहले हम लोग इसमें ग्रे कलर ऐड कर देंगे, और अब ग्रे कलर की कारपेट बना देंगे, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कारपेट चाहिए, बाकी का सामान हम लोग यहीं पे फेंक देते हैं। अब देखो तुम लोग जादू, ठीक है, जो खतरनाक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा था अब वो होने वाली है, गेट रेडी। और मैं एक काम करता हूँ, अपना ट्राइडेंट जो है वो रख लेता हूँ बस, और बाकी ये पिकैक्स यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे भाई थोड़ा और बताना यार, मजा आ रहा था, थोड़ा और समझाना क्या हो रहा है। अरे यार बता रहा हूँ ना यार। तो गाइस यस यार मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हम लोगों ने अभी चपाती भाई को किडनैप करा, तो चपाती भाई को अपने दोस्तों की और अपने घर की कितनी याद आने की। देखा भाई, जब तक तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ होती है ना भाई, हम लोगों के कोई ऐसे गलत इंटेंशंस नहीं थे यार,
जब तक तुम लोगों के हाथ में कोई चीज़ होती है, मेरे को सच्ची बताना, तुम लोग उसकी कदर नहीं करते हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं खुद की भी बात बता रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यार वो चीज़ है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम लोग उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते, बट जब वो हमसे छिन जाती है तो हमें वो चीज़ की इतनी याद आने लग जाती है। हर कोई घर जाने के लिए कितना ज़्यादा यहाँ पर भाई एकदम पागल हो चुका था, सारे लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए कितने पागल हो चुके थे, जस्ट बिकॉज वो सब अलग हो गए थे और उनको भाई एक दूसरे का साथ चाहिए ही था। कभी कभी भाई तुम लोगों को जो चीज़ें तुम्हारे पास है उनकी अहमियत बताने के लिए भाई तुम्हें उन चीज़ों से दूर करना पड़ता है लोगों को, तब जाके उन्हें पता चलता है कि जो उनके हाथ में है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर किसी के पास है। बाकी गाइस ये देखो यार एक बार इसको भाई साहब, ये देखो इसलिए मैं बोल रहा था कि ग्रे कलर से क्या होता है, ये देखो ग्रे कलर की कारपेट लगा के ये देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है भाई, मस्त मौला। हाँ ये भाई यार ये चीज़ मैं तुम लोगों को बता रहा था कि ग्रे कारपेट कितनी मज़ेदार हो जाती है, ये देखो। और अभी तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये चेस्ट में लूँगा, ये चेस्ट में इसके ऊपर मार दूंगा, ठीक है। तो इसको दोनों साइड से चेस्ट मिल गया, अब मैं ये देखो इसके ऊपर खुल के इसके पास देख रहे हो 6 हो गए, और जितना अच्छा तुम्हारे पास वो होता है हॉर्स होता है उतने ज़्यादा होते हैं, तो ये एंड में पूरा का पूरा ही भरता है। बट अभी के लिए मेरे ख्याल से हमारे पास कम लेवल का हॉर्स है, सॉरी हॉर्स बोलो लामा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा सामान नहीं उठा पा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इससे बाद में उठवा लेंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर कहीं पर क्राफ्टिंग टेबल मिल जाती है, मेरे पास जितना भी इंगेट पड़ा हुआ है ना गोल्ड का, मैं इसको फटाफट से पहले क्राफ्ट करके बना लेता हूँ नगेट। तो दोस्तों देखो हम लोग इसमें जितनी ज़्यादा हम लोग शायद 6 सामान डाल सकते हो, तो हम लोग ट्राई करेंगे 6 सामान हम ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ठीक है। तो ये देखो हम लोग इसको पहले ये भी देते हैं, और इसके पास हम लोग एक स्टैक ये भी छोड़ देते हैं, और ये 3 है, ये हमको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मैग्मा क्रीम हम लोग डाल सकते हैं या फिर हम लोग ब्लेस पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लेस पाउडर डाल देते हैं इसके साथ, और ये 4 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड को भी हटा के ना हम लोग इसके साथ एक प्रोटेक्शन 4 वाली बुक डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना सामान लेके चलेगा, ठीक है, हमारे साथ, और बाकी का सामान हम लोग अपनी इन्वेंट्री में डाल लेंगे। बाकी हमारे पास अपना एंडर चेस्ट तो है ही, तो हम लोग उसमें भी सामान लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो गाइज एक लास्ट चीज़ हम लोग ये वाला जो हमारा वो है क्या कहते हैं बीकन है, इसको भी अपने साथ लेके जाएंगे यार, सीधी बात है ये वहाँ पर काम आएगा, हम लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। और बाकी अब हम लोगों को हमारे डोमगी और हमारी क्या कहते हैं मुर्गी को भी लेके जाना है, तो उसका देखना है मेरे को अब कि कैसे होगा, पहले तो ये तोड़ देते हैं, ठीक है। बस मेरे को मुर्गियों का ही डर लग रहा है, क्योंकि यार मुर्गियाँ ना पानी में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएंगी अकॉर्डिंग टू मी। चलो इनको लेके चलते हैं, पहले तो मेरी ये मुर्गी का बच्चा और मेरी छोटी मुर्गी, इन दोनों को हम लोग लेके जाएंगे बोट में, ठीक है। तो आई थिंक एक बोट हाँ बड़ी हुई है, ठीक है। चलो भाई प्लीज़ बस मरना मत, ठीक है, बस तुम दोनों मरना मत, बाकी सब तो ठीक है, आ जाओ। चलो 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 फटाफट फटाफट भाई प्लीज़ मरना मत यार, अगर ये मर गई ना यार उफ दिक्कत ही दिक्कत है भाई। आ गई यस, आ जाओ बैठ जाओ बोट में भाई, प्लीज़ बोट में बैठ जाओ, ठीक है, बदतमीजी नहीं करना बिल्कुल भी। यस, दोनों की दोनों बोट में बैठ चुकी हैं, लेकिन अब हम लोग इनको लेके कैसे जाएंगे अगर दोनों बोट में बैठ जाएंगी तो। व्हाट, अब मैं कैसे बैठूंगा इस बोट में? एक एक करके पहले इनको कोने पे ले जाते हैं, ठीक है, एक एक करके इनको कोने पे ले जाते हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। आजा मुर्गी का बच्चा, आजा, आ बेटा बेटा, अब तो पापा बनने लायक हो गए, खैर छोड़ो वो तो रहने दे, वो टॉपिक नहीं छोड़ते। ओके तो दोस्तों दूसरी मुर्गी को भी हम लेके आ चुके हैं, ठीक है, चल आजा 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 छोटी मुर्गी, आजा आजा छोटी मुर्गी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बस अपने डॉगीज को लेके आ जाते हैं, बाकी हम लोगों ने पूरा सामान भर लिया, इसमें भर लिया हमने अंडर चेस्ट में भर लिया, तो हम लोगों को और कुछ तो चाहिए नहीं, ठीक है। और मेरा एक में मेरा ट्राइडेंट कहाँ है बॉयज, आई होप मेरा ट्राइडेंट हो मेरे पास, ठीक है। चलो फटाफट से जाते हैं और नीचे डॉगीज को आज़ाद करते हैं, अपना अंडर चेस्ट लेते हैं और निकलते हैं भाई हीरोब्राइन मेन सिटी की तरफ को। हमारी सर्वाइवर बिमली और हमारे सब्सक्राइब आ चुके हैं, अब हम लोग निकलते हैं भाई यहाँ से हीरोब्राइन एसएमपी की मेन सिटी की तरफ को। पहले हम लोग अपनी दोनों मुर्गियों को ले लेते हैं, ठीक है, देर भी गो, और चलो 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 बैठे चलो चलो चलो, ठीक है, हम लोग इनको रखते हैं, हमारे डॉगी तो हमारे साथ खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इनको लेके चलते हैं और फटाफट से निकलते हैं हीरोब्राइन एसएमपी की तरफ को। अरे यार ये फिर से एक पीछे रह गई ना पक्का, एक पीछे भाई, एक एक मुर्गी तो बदतमीजी करेगी करेगी भाई, कहाँ चले गई, अरे मुर्गी का बच्चा कहाँ चले गया भाई, वो रहा वो देख रहे हो तुम लोग, मेरे पास लीड भी नहीं है एक्स्ट्रा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा, चल घर
पर मुझे शान कर दिया यार, इतने मुश्किल से घर दिख गया भाई। सर्वाइवर बिमली को तो खुशी हो गई होगी यार भाई, सर्वाइवर बिमली को अपना घर याद आ गया होगा भाई ये देख के एकदम से। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, लेट्स गो यार। इन लोगों को हम लोग यहीं पे रखेंगे सारे के सारे। एक और फिर से मुर्गी है ना, ये मुझे पता था ये ना ये मुर्गी का बच्चा हो रहा है बदतमीज। पहले छोटी मुर्गी कर रही थी, अब ये मुर्गी का बच्चा कर रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक फेंस यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। इस फेंस को हम लोग यहाँ लेके आते हैं और अभी के लिए इनको मैं यहाँ पर बांध देता हूँ, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, तीनों के तीनों को मैं यहाँ पर बांध देता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है गाइस, हम लोग को ये जो हमारा घर है इसको पूरा का पूरा साफ करते हैं, क्योंकि सीधी बात है यार एक नई शुरुआत होगी तो हम लोग इस पूरे को नया घर बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। और बाकी यार गाइस, हाँ मैं थोड़ा मजाक में तुम लोगों को बता रहा था, क्योंकि वही चीज़ है यार कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी बुरा लगे, पर फिर वही चीज़ है यार, अगर तुम लोगों को याद होगा ना ये चीज़ें कोई मजाक में नहीं चल रही है यार। इस एसएमपी में बहुत टाइम से यही है यार कि हर किसी को सिर्फ वॉर चाहिए, लड़ाई चाहिए। भाई हम लोगों ने कुछ किया नहीं, अगर तुम देखोगे हमारे इंटेंशंस एकदम सही थे भाई, हर किसी को वॉर चाहिए थी। उज्जवल भाई का जब पहली बार टावर टूटा था, जब अज्जू भाई ने बोला था कि उज्जवल भाई का टावर तोड़ दो, तो अज्जू भाई ने हाँ बोला भी नहीं था, जब फाइनल एक फाइनल आंसर देना था कि क्या अज्जू भाई उज्जवल भाई का टावर तोड़ना है एक बार फिर से सोच लो, अज्जू भाई ने हाँ भी नहीं बोला था और किसी ने टावर को पूरा का पूरा जला दिया था। तो ये चीज़ें तो बहुत टाइम से चल रही है यार, ये आज की बात नहीं है, ये आज की चीज़ें हैं ही नहीं यार, जो चीज़ की अब हम पे ब्लेम कर दी जाए। बट वही है कि अब क्या कर सकते हैं यार, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि अब कोर्ट का फैसला क्या होगा, कोर्ट में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। पर यार मैं तो जा रहा हूँ अपने घर में रहने के लिए भाई। हम लोगों का यही चीज़ थी कि हम लोग भाई इस वॉर के एंड तक का सबके सब दोबारा से हीरो ब्रांड एसएमपी में प्रॉपर एकदम साथ में रहेंगे। पर यार उसी टाइम पे अज्जू भाई घूम गए और उन्होंने जो हम तीनों का प्लान था वो हम दोनों का प्लान बनाकर हमें ही उल्टा एकदम ऐसे विलेन की तरह पोज दे दिया। बट कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी बातें भी सुनने को मिलेंगी बहुत जल्दी, मेरी और उज्जवल भाई के साइड की भी एकदम क्लियर स्टोरी तुम लोगों को पता चलेगी कि क्यों क्या कैसे कब और क्या हुआ इन दी एंड, ये क्या था सब कुछ। बट उससे पहले चलो चलते हैं फटाफट से, मैं अपने घर को एकदम साफ और सपाट करता हूँ, ठीक है, मेरे को दो मिनट दो, फटाफट से चलते हैं और अपने घर को सपाट कर देते हैं एकदम। देख डोमगी, आई हैव द बिगेस्ट डोमगी इन हीरो ब्रांड एसएमपी, तेरे को वापस बनाऊंगा मैं, याद रखना, ठीक है, ये चीज़ ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं बनाऊंगा दोबारा से, ठीक है, पूरा का पूरा वापस बनाऊंगा तेरे को मैं। और एकदम ये तो कुछ भी नहीं था, ये ट्रेलर हो जाएगा भाई, इतना ग्रैंड बनाऊंगा ना, तुम लोग देखते रह जाओगे भाई अब दोबारा में। पहले हम लोग एक काम करते हैं, कहीं पे सोने की जगह देखते हैं और चेस्ट ढूंढते हैं, हम लोगों को दो चेस्ट चाहिए होंगे, ठीक है, तो मैं कैसे ना कैसे अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँचाऊँ। आज रात हम लोग जल्दी से उज्जवल भाई के टावर पे ही सो जाते हैं। मैं उज्जवल भाई के टावर पे, क्या आर पार हो गया क्या किसी चीज़ के, व्हाट, ओके, तो आज रात तो हम लोगों ने यार उज्जवल भाई के टावर में निकाल दिए। अब चलो फटाफट से काम धंधा शुरू करते हैं, मेरे को पहले अपना पूरा का पूरा डोमगी क्लियर करना है, ठीक है, जो अपना डोमगी है उसको हम लोग पूरा साफ करेंगे अभी, फटाफट से बनाएंगे और जाके इसको क्लीन करते हैं, ठीक है भाई। मैं बता नहीं सकता यार तुम लोगों को कि वापस यहाँ पर आके यहाँ पर रहने के लिए जो है वो फील करके कैसा कैसा लग रहा है, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता यार अंदर से कितनी खुशी हो रही है। बट यस, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी तुम लोगों को साफ साफ भी बतानी है कि भाई हाँ हुआ क्या है इन दी एंड, ठीक है। बट जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला कि वो चीज़ यार हम लोग एक साथ जब मिलेंगे तभी तुम लोगों को क्लियर करके बता सकते हैं, ऐसे ऐसे एक एक करके नहीं बता पाएंगे यार चीज़ें कि मतलब हाँ ऐसे हुआ, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी के लिए। तो वही है, चलो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक दो चेस्ट जो हैं वो एक कोने में लगा देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, वो दो चेस्ट मैं पानी के अंदर लगाता हूँ ताकि कोई और यहाँ पर आके ना सामान ले जाए, ठीक है। तो मैं सारा का सारा मेरा जो सामान है वो इसके अंदर डालता हूँ ताकि मेरे हाथ खाली हो जाए, मेरे को थोड़ा बहुत एटलीस्ट यहाँ से सामान का तो फ़ायदा हो, राइट। सीसी बात है यार, ये क्वार्ट्ज़ है ये पूरा का पूरा मेरा घर, क्वार्ट्ज़ कितना महंगी चीज़ है वो तुम लोगों को ही पता है, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा क्वार्ट्ज़ इन सब चीज़ों का ही फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे को दो मिनट दो, फटाफट से इसको पूरा क्लीन करके मिलता हूँ तुम लोगों से मैं जल्दी। तो इतना मैंने भाई साफ़ कर दिया, लेकिन अभी भी घर का थोड़ा बहुत पार्ट नीचे बचता है तो मेरे को वो भी पूरा का पूरा साफ़ करना पड़ेगा यार, ठीक है। मैंने जब मैं करता हूँ ओके, ये सामान शायद से ऊपर नहीं जा पा रहा ना, हाँ तो ये
आवाजें निकाल, मेरे को लग रहा है भाई कि आप कौन तैर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है। ठीक है तो मेरे को 2 मिनट और दो, मैं डोंगी को भी क्लियर करता हूँ और फटाफट से जो ये बचा कुचा है इसको भी क्लियर करके तुमको से मिलता हूँ 2 मिनट में। दोस्तों उनकी पूरा घर साफ कर दिया ब्रो, पुंछ नहीं बचा, सैम्ड लाइव। ओके तो गाइज फाइनली घर तो पूरा का पूरा साफ हो चुका है। ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। ठीक है बस लिटरली यहाँ पर एकदम ऐसा साफ चंकीस कर दिया ना मैंने भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पहले कभी कुछ हुआ करता था या फिर ऐसा कुछ होता था, कोई घर नहीं था गाइज यहाँ पर। ओके ये ऐसी जगह थी हमेशा से, यहाँ पर कोई भी घर नहीं हुआ करता था, कोई डोंगी नहीं हुआ करता था। सैड लाइफ भाई यार, क्या फाड़ा है यार डोंगी भाई, लिटरली उसके पैर ही पैर बचे हैं यार। तो गाइज एक फाइनल चीज़ है, ये डॉगी साफ करना है मैंने और उसके बाद अपना सारा का सारा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सामान क्लियर कर दिया ताकि मेरे को जितना कंक्रीट है इस डॉगी में सारा का सारा कंक्रीट मिल जाए, थोड़ा यू नो अगर मैं फ्यूचर में बिल्ड करूंगा जैसे सीधी बात है यार, अगला जो मैंने तुम्हें बोला कि ग्रैंड होगा एकदम। ठीक है अगला जो भी मैं अपने डॉगी के लिए बनाने वाला हूँ भाई, पहले तो सारे के सारे डॉगीज वापस आएंगे भाई। ठीक है और उसके बाद जो मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा वो होना चाहिए एकदम खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो मेरे को जितना ज़्यादा रिसोर्सेज अभी मैं बचा पाऊंगा उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मैं बचाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है तो मेरे को 2 मिनट दो, फटाफट से मैं ये पूरा का पूरा डॉगी साफ करता हूँ। कितनी मेहनत से बनाया था यार ये भाई, जी जी हो गया इसका भी। भाई सच्ची में इसको पूरा तोड़ने में ना इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ना भाई, मेरे को सच्ची में ऐसी चीज़ें पता याद आ रही, मेरे को लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि एक गेम से इतना फ़र्क पड़ना चाहिए करके, बट मेरे को सच्ची में जब वो याद आ रहा है ना ऐसे कि कैसे मैं ऐसे आता था और बोलता था यो गाइस 20K लाइक्स हो गए, चलो सब्सक्राइब को खाना खिलाते हैं, चलो लाइक को खाना खिलाते हैं। भाई यार लिटरली ब्रो वो चीज़ ऐसे ऐसे एकदम से ऐसे फ्लैशबैक जैसी हो रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार कसम से। फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा एरिया जो है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। ठीक है तो पूरा का पूरा एरिया एकदम साफ हो चुका है, देख रहे हो यहाँ पे नामो निशान नहीं है किसी भी चीज़ का कि मेरे पास, हाँ ठीक है वो थोड़ा सा पानी वहाँ से उठ रहा है वो मैं ठीक कर दूंगा, बट यस मैंने अपना पूरा का पूरा घर यहाँ से साफ कर दिया है। हम लोग इस घर को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे एकदम, कुछ तो क्रेजी करेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है ना भाई, हम लोग हीरो ब्रांड SMP वापस आ गए भाई, इतना खूबसूरत बना देंगे ना इस जगह को। पर अभी देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी कोर्ट हियरिंग भी होने वाली है बहुत जल्दी, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा मुझे उज्जवल भाई और अज्जू भाई को, और वहाँ पर अपनी दोबारा से पूरी कहानी बतानी पड़ेगी और हम पूरी कहानी तुम्हें अच्छे से बताएंगे। और तुम लोग पता नहीं यार, मतलब शायद से तुमने अभी तक का हमारी पूरी बात सुनी नहीं है कि हम लोगों ने क्यों किया, क्या किया और कैसे किया सब कुछ। बाकी हम लोग आ चुके हैं यार वापस यहाँ पर, हमारी सारी सारी टोली वहाँ पर ऊपर है, सारे डॉग्स सब कुछ। और यस यहाँ पर हम लोग करेंगे, अब बनाएंगे अपना खुद का घर, अभी के लिए साफ सफाई तो हम लोगों ने कर दी है। एंड आई होप मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन ही सही तुम लोगों के आंसर दे दिए होंगे, बट प्रॉपर आंसर तुम लोगों को मिलेंगे बहुत जल्दी जब मैं और उज्जवल भाई एक साथ आएंगे तब। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजा आएगा और बाकी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी यार एकदम साफ तुम लोगों के सामने रख देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बट यस तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, 150K लाइक्स का गोल है, और जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, 900K की तरफ को बढ़ रहे हैं, अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।